हमीरपुर में बाढ़ से हालत लगातार खराब होती चली जा रही है। लोगों को बाढ़ से जूझते हुए एक सप्ताह हो गया, लेकिन फिर भी कोई राहत की सांस नहीं मिल रही। जबकि प्रशासन ने 3 दिन पहले दावा किया था कि अब नदियों में पानी नहीं छोड़ा जाएगा और जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। यहाँ लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, जिससे अब हाईवे को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। हमीरपुर से गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदी, जिसके रौद्र रूप ने बड़ी बड़ी बस्तियों को अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया है। यहाँ मुख्यालय की ही कई बस्तियां नदी में समाती नजर आ रही हैं। तस्वीरों में आप देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पहले कुछ घर हुआ करते थे, जो कि अब पानी में पूरी तरह से समा चुके हैं। रोज कमाने खाने वालों के पास अब तो खाने पीने के लाले पड़ने लगे हैं, जिसको दूर करने में प्रशासन ने भी घुटने टेक दिए और अभी तक राहत सामग्री के नाम पर इनको लंच पैकेट तक नहीं मिला। हमीरपुर में दिन ब दिन बाढ़ की वजह से जिस तरह के हालात होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए अभी तक तो प्रशासन फेल होता नजर आ रहा है। क्यों हर तरफ यही आवाज आ रही है कि राहत के नाम पर प्रशासन ने कुछ नहीं किया। हद तो यह है कि अगर कई हालात अचानक ज्यादा खराब हुए तो प्रशासन के पास कोई मोटर बोट तक नहीं दिखाई दे रही, जिसके जरिए फौरन पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। बताओ, हमारे खाने पीने कुछ है नहीं है और सामान बोट मिला था, हम लोग कहाँ जाए बाल बच्चा लेके? क्या हो रहा है, प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हो रहा, रोड में देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं? जो मर रहा है तो मरने दो नदी में। क्या नाम है भोली? क्या परेशानी है भाई साहब? नदी में हमारा घर डूब रहा है और लड़के बच्चे मतलब भूखे मर रहे हैं। बताओ रहे तो कहाँ रहे, इसके व्यवस्था बताइए, रहने कहाँ रहे? लड़के बच्चे भूखे मर, नदी में पूरा पानी, मकान डूब गया और खाने भी कुछ जुगाड़ भी नहीं अपने पास। प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की? कोई व्यवस्था नहीं की प्रशासन ने, और कोई से कहते हैं तो कहते हम क्या करते, हम भी अपनी जान के लाले पर ही, हमारी तो कर तो क्या सकते हैं। क्या नाम है? बिजलाल। हमारे यहाँ भैया बाढ़ की वजह से सब पूरा मकान ध्वस्त हो गया, कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ देखने भी कि हम लोगों को क्या दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत, पानी लाते हैं बाजार से, यहाँ पे हैंडपंप का पानी बाजार से लेके आते हैं पीने के लिए, आने जाने का रास्ता नहीं, नाव द्वारा जाते हैं, बच्चे हमारे सब बीमार पड़े, हमें दिखा गया है यहाँ अस्पताल से, प्राइवेट तो सब बीमार पड़े हुए। मेरा नाम किशन लाल निषाद है, मेरा मकान को पूरा ध्वस्त हो गया, ये पड़ा आपके सामने, पीछे से नदी भरी, आगे से नदी भरी, बीच में बैठी है न खाने का न पीने का पानी, मर रहे हैं भूखन, अब क्या बोल रहे हैं? तो प्रशासन ने कुछ तो किया होगा इंतजाम? कुछ नहीं किया। कैसे खाना पीना चल रहा है? चल रहा, कहा का दे किसी कोई ऐसे जाऊँ धरा वही बना खा लेते न, एक पारे खा लेते, एक पारे ऐसे लड़का बच्चा पड़े है। क्या नाम है आपका? मुन्नी। परेशानी भैया बहुत, मेरे को है नहीं आगे पाछे, कई के आसरा करो, को खा कर दे देन तो खा लेना, नहीं पा रही है पूछ ले, कल 4 रोज है कि रोटी नहीं बनाई, टट्टी कर रख के कारण समझ ले। घर कहाँ गया आपका? पता नहीं कहाँ डूब गया, दूसरे घर में धर लिया। नदी आ गई है, कोई अधिकारी नहीं देख रहा, हम बहुत परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, हम क्या परेशान हैं, सब कोई परेशान है। खाने पीने क्या व्यवस्था? खाने पीने क्या है, खाई नहीं हो रहा कि कोई बना ले खा ले, पानी में मारे। रात बिरात आप लोग कहाँ लेट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नाव में लेट रहे हैं, कहाँ जाए, नाव में लेटते हैं, नाव में नहीं हुई, खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कहा जरूरी नहीं खाना। लाइट की व्यवस्था नहीं, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है? सिम्मा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।